बल्लारपुर विधानसभा पर इस समय पूरे जिले के साथ राज्य की निगाहें लगी हुई है कि इस विधानसभा चुनाव का बाजीगर कौन होगा। देखिए इस खबर में क्या है। चंद्रपुर जिले की विधानसभा सीटों में कुछ सीटों को पहले ही मीडिया में वीआईपी सीटों का नाम दिया गया है तथा जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई है, उसी में से एक है बल्लारपुर विधानसभा, जहां पर बल्लारपुर विधानसभा से राज्य की वित्त मंत्री नियोजन तथा जिले के बालक मंत्री सुधीर मुनगंटी युवा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके खिलाफ कांग्रेस राका गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर विश्वास झाड़े एवं वंचित बहुजन आघाड़ी के राजू झोड़े के साथ अन्य प्रत्याशियों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से मनोज आत्राम, बहुजन समाज पार्टी से सरफराज शेख, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से अरुण कांबले, आम आदमी पार्टी से ताहिर हुसैन, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से सचिन तेंबुड़े तथा निर्दलीय उम्मीदवारों में बंटू वाकड़े, अशोक तुमरा, सागर राउत, तारा काले, अनिकेश्वर मेश्राम के नामों का समावेश है। गौरतलब है इसी विधानसभा से राका पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र वैद्य और राका के युवा नेता नितिन भटारकर ने भी नामांकन भरा था और राका ने कांग्रेस युति में इस सीट की मांग की थी। वहीं राका के राजेंद्र वैद्य ने सीटीवी के साथ बातचीत के दौरान इस सीट के संबंध में तथा जिले के कांग्रेस के लोक प्रतिनिधियों के बारे में खुलकर बातचीत की थी तथा उनकी नीतियों पर भी खुलकर कहा था। और इस सीट को लेकर कांग्रेस राका के बीच क्या चल रहा है, यह यहाँ पर अब उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में कांग्रेस राका गठबंधन में जो अधिकृत प्रत्याशी को यहाँ पर उतारा गया है, उनके राजनीतिक सफर के बारे में हर कोई अवगत है, मगर उनके पीछे एक बहुत बड़ा समाज है जिस समाज से वे आते हैं। और वहीं दूसरी ओर वंचित बहुजन आघाड़ी, जो बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राका गठबंधन और भाजपा सेना गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच हार जीत का बहुत बड़ा कारण बनी थी, इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से राजू झोड़े को मैदान में उतारा गया, जो कि अनेक आंदोलन कर अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर चुके हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में अन्य उम्मीदवार भी अपनी शक्ति लगा रहे हैं, मगर पूरे राज्य में इस समय मुख्य मुकाबला भाजपा सेना युति और कांग्रेस राका युति के बीच में हो रहा है। मगर इस विधानसभा में राका का कांग्रेस के साथ गठबंधन में दरार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां से राका ने सीट मांगी थी और मुख्य राका के नेताओं ने पर्चा भी भरा था। और ऐसे में भाजपा सेना युति के उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार को कौन कड़ी टक्कर देगा तथा विधानसभा में पहुंचेगा और वहीं कमजोर कड़ी कौन साबित होगा, इस ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। सीटी के बल्लारपुर विधानसभा पर खास प्रस्तुति।